ये देखो देखो यार, और सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना बोला नहीं जा रहा, ओटो लेवल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो रहा है, गिरते जा रहा है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग कितना मेहनत करते हैं यार। तो ऐसा है कि ये बचपन से जब इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इसी को अडॉप्ट करना पड़ता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया। तो वापस से स्वागत करता हूँ फिर से मेरा एक नए स्पेशल ब्लॉग में। तो जो आज का ब्लॉग है, वर्ल्ड सेकंड कूलेस्ट प्लेस जो इंडिया के अंदर ही है, लद्दाख के अंदर, लद्दाख से, लेह लद्दाख से 260 किलोमीटर आगे, जहाँ एक द्रास नाम की जगह है। तो अभी मैं वहाँ पे आया हूँ, मतलब कल आया था। थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं किस तरीके से रहते हैं और वो कौन हैं और किस तरीके से उनकी लैंग्वेज, आपको यहाँ का किस भाषा में बात करते हैं और उनका रहन सहन क्या है, मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की वीडियो और भी आपके लिए आती रहेंगी, मैं लाता रहूँगा। वैसे तो हर किसी का सपना होता है लद्दाख आने का, तो आपका भी कोई ड्रीम रहा होगा कि लद्दाख आप एक बार अपनी लाइफ में जरूर घूमें। तो जब भी आप लद्दाख आएंगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी यहाँ पर घूमने के लिए। तो मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा आपको जहाँ जहाँ आपको घूमना है और जो जो चीज़ें यहाँ पर घूमने लायक हैं। तो गाइज, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो होटल, जिस होटल में मैं रात में स्टे किया था। तो अभी हम जा रहे हैं होटल से बाहर की साइड, अभी हम जाएंगे कारगिल वार मेमोरियल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ के लोकल की थोड़ी लैंग्वेज और लोकल के लोग किस तरीके से रहते हैं उस तरीके के बारे में आपको डिफाइन करूँगा। और ये हमारे होटल सामने दिख रहा होगा आपको, और ये सारा स्नो, अभी लाइव स्नो हो रहा है, आप देख ही पा रहे हो वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी चलते हैं आगे की ओर। ये देखो यहाँ पर स्नो हटा रहे हैं, और ये हमारे होटल के ओनर। ये देखो इस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं। और अंकल ये बताइए, जब यहाँ पर स्नो पड़ जाता है तो सारा मतलब ये क्लियर करना पड़ता है यहाँ से सामने से? ये उठाना है, नहीं तो रास्ता बंद हो जाएगा ना। अच्छा, रास्ता बंद हो जाएगा, मतलब घर तक का रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए अच्छा, इसको उठाना ही पड़ता है, उठाना पड़ता है। हाँ। अंकल, जो यहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है? यहाँ पे एक लैंग्वेज है शीना, शीना वो आर्यंस की लैंग्वेज है, आर्यंस की। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे एक बल्ती लैंग्वेज है, बल्ती, फिर पूरी एक लैंग्वेज है, तीन, हाँ। तीन लैंग्वेज बोली जाती है, तीन लैंग्वेज बोली जाती। अच्छा, है। जो यहाँ की पॉपुलेशन होगी कितनी होगी, मतलब ओनली द्रास की? द्रास सब डिवीजन की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 15,500, 15,500। मतलब इस जगह पे जहाँ पे हम आए हैं यहाँ पर 15,500 लोग रहते हैं, मतलब मेल्स फीमेल्स सारी, मतलब फैमिलीज रहती है एक तरीके से पूरा। और इनके खाने पीने का क्या सिस्टम है अंकल? जो सब्जी वगैरह होती है यहाँ तो हो नहीं पाती होगी? यहाँ बाहर से सब्जी आने का कोई चांस नहीं रहता है, कभी कभार बीच में कोऑपरेटिव से आ जाता है चंडीगढ़ से। अच्छा, उसमें भी लाइन में बैठना पड़ता है, किसी अच्छा को मिलता है किसी को नहीं। बाकी ज्यादातर हमारा डिपेंड इस वक्त दाल पे और अच्छा ये नॉन वेज पे डिपेंड होता है। अच्छा, तो अंकल जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो सारी जगह, मतलब दो या तीन महीने के लिए यहाँ पर तो स्नो इतना रहता है। वैसे भी यहाँ पर पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर सब्जी वगैरह उगाने का कोई भी सिस्टम नहीं है, तो जो भी सारी चीज़ें आती हैं बाहर से आती हैं। और यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता सिर्फ दो ही रास्ते हैं, वो भी एक रास्ता तीन महीने के लिए बंद रहता है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर और कटारा होके जाता है, जो ट्रेन वाला दुर्जिंग पास ना, जोरजिला पास है। अच्छा, हाईएस्ट पास है बोल रहे हैं। और जो जोरजिला होके जाता है जो ट्रेन वाला रोड है, और एक है जो दूसरा लेह से फ्लाइट होके जाती है। तो अभी जो अवेलेबल है ओनली लेह से फ्लाइट वाला है, और बाकी जो ट्रेन वाला रूट है वो सारा बंद हो रखा है। तो ट्रेन नहीं है ना, वो तीन चार महीने के लिए बंद रहेगा। ट्रेन तो है ही नहीं। अच्छा, वो बोल रहे तीन चार महीने के लिए बंद रहेगा। और देखो ये इस तरीके से यहाँ की जो मतलब आंटी लोग हैं, जो लेडीज लोग हैं, यहाँ पे इस तरीके से पानी को कलेक्ट करते हैं। ये जो पाइप दिख रहा है ना आपको ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाले पानी, मतलब पाइप से पानी भरते हैं इस तरीके के टैंक्स में, और यहाँ से लेके जाते हैं। तो आंटी, आप लोग यहाँ पास भी रहते हो क्या? हाँ, पास में रहते हैं। अच्छा, ये यहाँ के लोकल के आंटी लोग हैं। ये देखो इस तरीके से पानी भर रहे हैं, और ये कंधे पे इस तरीके से रख कर लेके जा रहे हैं। और आगे आप दिखाता हूँ आपको, देखो स्नो पूरा, मतलब रोड तक स्नो ही स्नो, और मतलब हर जगह स्नो है। तो ये अपना जो आप इनका एरिया है, मतलब जो इनका मेन रोड है उसको पूरा क्लियर करके रखते हैं, वरना यहाँ पर इतना स्नो हो जाएगा कि ये रोड बंद हो जाएगा। इनका मेन जो रोड है, मतलब अंदर एंटर करने का, वो रोड बंद हो जाएगा। तो ये देखो सारे लोग कितना मेहनत कर रहे हैं यार यहाँ पर, मतलब रहना बहुत डिफ़िकल्ट है यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर रहना। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग कितना मेहनत करते हैं यार। ये देखो ये सारे लोग स्नो हटा रहे हैं, और देखो वो जो पानी, वो लोग जा रहे हैं, देखो पानी लेके जा रहे हैं, मतलब स्नो में। तो गाइस, अभी मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका हूँ वो सामने देख रहे हो आप, और ये वाली जो रोड आती है, जो ये रोड आ रही है, ये सीधा लेह से, वो सॉरी कारगिल से आ रही है, कारगिल से द्रास के लिए। और ये यहाँ के लोग हैं, और ये हमारे सामने देख रहे हो आप हमारा गेस्ट हाउस, जिस होटल में हम रुके हैं। और इस होटल का नाम है 99 इन, आप देख रहे हो यहाँ पर 99 इन का बोर्ड।
इन अंकल का नंबर यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, बाकी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और होटल की जो फैसिलिटी है, मतलब जो इन्होंने सर्विस दी है, सीरियसली बिल्कुल एक फैमिली के जैसे इन्होंने हमें बिल्कुल सर्विस दी है बहुत अच्छे से। अंकल आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। वैसे तो ये सिविल सर्विस में है, बट इन्होंने अपना ये गेस्ट हाउस इसी साल स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर ना गेस्ट हाउस बहुत कम है और जो भी है वो सारे तरीके अच्छे तरीके से प्रोवाइड, मतलब सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाते, कि मतलब यहाँ पर हीटर वगैरह नहीं है। तो इन अंकल के होटल में हीटर, इन्होंने दो हीटर दिए हुए हैं, वॉशरूम के अंदर गीजर है और खाने की सुविधा बिल्कुल हमारे बिल्कुल घर के जैसे इन्होंने हमारा ख्याल रखा है। तो अंकल उस चीज़ के लिए थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको मैं और भी सारी डिटेल होटल की दे दूंगा, कभी भी आप जैसे आते हो तो आप इस होटल में स्टे कर सकते हो। बाकी अगर जो रेट वगैरह रहेगा वो मैं अंकल से बात करके, अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट से कभी आओगे तो मैं अंकल से बात आपकी डायरेक्ट करा दूंगा और प्राइस का भी मतलब काफ़ी हद तक ठीक कर, मतलब जितना हो पाएगा ठीक कर ही देंगे। तो अभी आगे की ओर चलते हैं और मैं यहाँ के लोकल के लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे किस तरीके से रहते हैं। अभी यहाँ पर होटल के साइड के लोकल थे जिस तरीके से रह रहे थे, और आगे हम जा रहे हैं गाँव की साइड में, जो गाँव के लोग हैं। चश्मा लगा ले रहा हूँ क्योंकि आँखों पर ना स्नो गिर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, आप देख रहे हो चारों तरफ स्नो ही स्नो है, पीछे से गाड़ी आ रही है। और यहाँ पर दो दिन के लिए बोल रखा है, मतलब अलर्ट हो रखा हैवी स्नो फॉल है। तो हैवी स्नो फॉल में क्या है, मतलब इन लोगों ने मतलब जो यहाँ का रूट है उसको बंद कर दिया है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखो किस तरीके से मेहनत करते हैं लोग। ये अंकल पानी लेके आ रहा है नीचे से। अंकल पानी लेके आ रहे हो ना आप? अभी लेने को आए। अच्छा, लेने को आए हो, ये पानी लेने को आए हैं। तो अंकल जा रहे हैं, आप अंकल इधर ही रहते हो लोकल में? तो देखो किस तरीके से मेहनत करते हैं यार, ये इनकी गाड़ी है और इसमें पानी रख के लेके जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं आगे की ओर, बार मेमोरियल की साइड। तो अभी हमने अंकल से लोकल स्टिक मांग ली है कि हम मतलब आगे जहाँ जा रहे हैं उसको रख के देख लें, कि ऐसा ना हो कि हमने पैर रखा और नीचे दबाक से नीचे चले गए। तो इसके लिए हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं। और सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना बोला नहीं जा रहा, ऑटो लेवल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो रहा है, गिरते जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारी जगह यार। और हम लोग जो प्लेन्स के हैं, हम लोग को स्नो ज़्यादा ही पसंद है। तो अगर आप कभी आओ तो मेरा तो सजेशन रहेगा, आप विंटर टाइम में आओ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये देखो, ये देखो चारों तरफ, चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो दिखेगी। ये देखो, तो भैया ने अभी हमें दो बम्बू दे दिए सपोर्ट करने के लिए, एक मेरे पार्टनर के लिए एक मेरे लिए। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, मैं रोड की साइड से जा रहा हूँ। अभी हमारी डेस्टिनेशन जो है वो बार मेमोरियल होने वाली है। और जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो अभी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इस करके मैं 2 या 3 पार्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। तो आप देख लेना, आपको देखना है। और इस तरीके का एक्सपीरियंस करने के लिए और भी बहुत सारी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इस तरीके के शॉर्ट्स भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा इसी चैनल पर। क्या दिया अंकल ने? बम्बू, मतलब गड्ढे वड्ढे में ना पैर चले जाए, ये बम्बू है ना। तो अभी चलते हैं आगे की ओर यार, सीरियसली यार। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर होगा, 1-1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नो फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे समझ लिया, तो चलते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ के लोग हैं ना लोकल, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्नो टाइम पर। यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वर्ल्ड की 2nd कूलेस्ट प्लेस है। तो इस लहजे से ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। और अभी हमारे जिस होटल में मैं स्टे किया हुआ था, वो अंकल बता रहे थे कभी एविलॉन्च हुआ था, पीछे साइड में एविलॉन्च हुआ था, जहाँ पर 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, एक लेडीज़ और एक जेंट्स, जो 20 ईयर्स के एबव में थे। पीछे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी को साइड देते हैं। ये लोकल के लोग हैं जम्मू कश्मीर के। तो हमारा बहुत, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं, मतलब मेरा ऐसी ड्रीम है कि मैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह घूमूं, दुनिया की सबसे गर्म जगह घूमूं, ऐसे इस तरीके का मेरा ड्रीम है। तो गाइस आप देख रहे हो, ये ना सारे घर हैं यहाँ पे, सारे घर हैं। और ये मतलब जो रोड है ना, ये सारे घर मतलब बर्फ़ के अंदर डूब चुके हैं। और आपको ये दिखाता हूँ मैं, देखो ये देखो, ये ना अभी मैं, ये देखो आपको ये जो घर दिख रहे होंगे, सारे घर मतलब बर्फ़ के अंदर स्नो के अंदर डूब चुके हैं। और स्नो देखना चाहोगे आप, कितने कितने स्नो है, ये देखो अंदर डंडा कितना जा रहा है। और ये तो अभी मैं 5 मिनट लगा रहा हूँ, अभी आगे जाऊँगा ना तो और ज़्यादा चला जाएगा। ये देखो आधे से ज़्यादा डंडा, मतलब आधे से ज़्यादा, ये देखो आधे से ज़्यादा डंडा अंदर घुस गया है, इतना स्नो अभी गिर चुका है यहाँ पे रोडों पे है स्नो। और जो खाली एरिया है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा होगा। तो आगे की ओर चलते हैं, और अभी हम जा रहे हैं कारगिल वार मेमोरियल। जैसा कि मतलब मेरा सीन था कि मैं कारगिल वार मेमोरियल जरूर घूम के आऊँगा। कारगिल वार मेमोरियल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मतलब जो युद्ध हुआ था
आर्मी, हमारे यहाँ की जो आर्मी थी जो लोग शहीद हुए थे वहाँ पर, उनकी वो समाधियों का इस तरीके से स्मारक बनी हुई है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो सारे रोड घरों की साइड जा रहे हैं, और ये देखो ये लोकल के भैया हैं। ये देखो कहाँ जा रहे हो भैया जी? भैया कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं अभी ऑफिस। ऑफिस जा रहे हो? अच्छा, मतलब इसनो के टाइम पे भी ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है। अच्छा, आप लोकल के हो? आप लोकल के हो? जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईद यूसुफ। अच्छा सईद यूसुफ, तो आपको यहाँ पर रहना बहुत डिफिकल्ट होता होगा यार इसनो के टाइम पे? ऐसा है कि भैया बचपन से जब इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इसी को अडॉप्ट करना पड़ता है। अच्छा, सर्वाइवल के लिए हर चीज को मतलब सर्वाइव करना पड़ता है। जी जी। तो इस तरीके की कुछ कहानी है। देखो यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी खुली है, मतलब वैसे जैसे नॉर्मल हम लोग रहते हैं ना उसी तरीके के यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बस घर बंद है, बट शॉप्स वगैरह खुली पड़ी है। देखो ये एक शॉप से मैं शॉप के पास लेके चलता हूँ आपको। ये देखो ये यहाँ लोकल की शॉप है, ये देखो यहाँ पर एक किराना स्टोर है लोकल का। ये भैया है इस शॉप के ओनर। ये देखो ये यहाँ पर शॉप है, मतलब लोकल बकायदा खुली हुई है, स्नो फॉल हो रहा है बट काम इनका कुछ भी नहीं रुका हुआ है। जिन लोग को जो काम कर रहे हैं वो सारा कर रहे हैं। तो भैया ये स्नो के टाइम पे आप हमेशा खोलते हो शॉप? जी जी, मैं हमेशा। अच्छा, ये आपका खुद का शॉप है? जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम एजाज हुसैन है। एजाज हुसैन जी सर। अच्छा, तो मतलब लोग तो वैसे सामान वगैरह लेने आते ही होंगे? जी जी। ओके, तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर लोकल के लोग हैं रहते हैं। और सच बताऊँ यहाँ ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी माइनस टेम्परेचर होगा? कितना माइनस होगा? हाँ हाँ, मतलब कितना माइनस टेम्परेचर होगा यहाँ पे? होगा 25। 25? हाँ, मतलब 20-25 तो होगा ही। बढ़ भी जाता है, बढ़ भी जाता है अभी, मतलब रात के टाइम पे बढ़ जाता है बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ जो हम लोग सोचते हैं। जैसे कि मैं पहले कभी सोचता था कि कभी भी जब मैं हिल्स में जाता था तो मैं सोचता था इस पहाड़ से खड़े होकर वो वाले पहाड़ में ऐसे पहाड़ पर जाऊँ जो मतलब लास्ट पहाड़ हो और उसके नीचे कुछ दिखे ही ना। तो वो कभी भी हम पॉसिबल हो पाए कि हम करेंगे वो। और ये जो जगह है ये दुनिया की सबसे कूलेस्ट पैलेस है, जो दूसरे नंबर का, पहले नंबर का साइबेरिया जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो एक ड्रीम मेरा कंप्लीट हुआ, और बाकी जो फर्स्ट मेरा ड्रीम है मतलब कि जो पहली जगह है वहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा आप लोग का सपोर्ट रहा तो। और एक ऐसी जगह भी जाएंगे जो सबसे ज़्यादा गर्म जगह है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलो चल रहे हैं, रोडों पे बहुत ज़्यादा स्नो है, दिक्कत हो रही है। तो ये देखो लोकल के लोग यार कितना मतलब, ये देखो स्नो हटा रहे हैं शॉप्स वाले। ये देखो, ये देखो कैसे हो अंकल? बस सर बढ़िया। बढ़िया? और सर कैसा लगता है अंकल यहाँ? बहुत बढ़िया लगता है सर। बढ़िया लगता है, आप लोग का तो आदत बन गया ना? आदत बन गया सर। हाँ, ये देखो कहाँ से आए सर? अंकल हम उत्तराखंड से हैं। और सर कहाँ जा रहे हैं सर? मैं अभी यहाँ पे घूमने आया था, यहाँ पे एक्सप्लोर करने आया था, इन जगह को दिखाने आया था कि स्नो के टाइम पे आप लोग कैसे रहते हो, कैसे सर्वाइव करते हो, वही चीज दिखाने आया था। मेरा एक यूट्यूब चैनल है राजगंगवार ब्लॉग नेम से। हेलो भैया। तो इन लोग को मतलब यार ये देखो मतलब यहाँ पे ज्यादा 15-16 हज़ार लोग रहते हैं इस जगह पे। ये देखो ये भाई, छोटा सा भाई अपना, क्या नाम है आपका? रहीम। रहीम, रहीम नाम का भाई है। देखो देखो अपनी दुकान के लिए, ये देखो रास्ता क्लियर कर रहा है रोडों पे। देखो गाइस, आप ये देख रहे हो ना, छतों पे पूरी तरीके से स्नो आ चुका है। मतलब आपको घर में किसी भी तरीके का कलर करा लो, स्नो के टाइम पे सारे घर आपको व्हाइट ही दिखेंगे। मतलब यार सच्ची बताऊँ, देखो आप देख रहे हो ये सारे घर के रास्ते हैं, ये सारे घर के रास्ते हैं। बट अगर हम यहाँ इधर गए ना तो शायद ये नीचे हमें नीचे की ओर ले जाए, क्योंकि रोड तो है बट पता नहीं कहाँ से कैसे जाना है। बट आई एम सो एक्साइटेड यार, मतलब मुझे ये स्नोफॉल देखना था यार, और मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हुआ। और मेरे वीडियो के जरिए आपका भी ये ड्रीम कंप्लीट हो सकता है, आप देखना। आप अगर आना चाहो तो कभी भी आ सकते हो। और काफ़ी लो बजट में मैंने ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बट मेरा ये लो बजट काफ़ी हाई बजट में पहुँच चुका है, क्योंकि यहाँ पर रुकने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मुझे रुकना पड़ेगा। और जो यहाँ से वापसी के लिए रास्ता था वो एक दो ही रूट थे, एक ट्रेन वाला और एक फ्लाइट वाला। ट्रेन वाला रूट 2 महीने के लिए बंद हो चुका है, तो अब 2 महीने तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा, फ्लाइट वाले रूट से ही जाना पड़ेगा। तो इस करके मेरा बजट थोड़ा बेकार हो गया, बट अब क्या करें, करना तो है, आप लोगों के लिए वीडियो तो बनानी है ना। तो बस यही था, आप देख रहे हो ये सारे रोड हैं, सारे ढके पड़े हैं। ये तो वो घर है आपको पीछे दिख रहा होगा। देखो ये लॉरी है, इनकी ट्रक है, ये पूरा ट्रक मतलब। ये देखो अभी अगर थोड़ा सा 1 घंटे और स्नो हो गया ना तो ये स्नो मतलब ये डूब जाएगा ट्रक पूरा, ये पूरा ट्रक डूब जाएगा। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कारगिल वार मेमोरियल, अभी 500 मीटर की दूरी पर है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और हम अपने देश की आर्मी को सैल्यूट करते हैं।
तो वहाँ पर जो शहीद है उनको देखेंगे, मतलब जो उनकी स्मारक है उनको देखेंगे, और बाकी जो वहाँ के आसपास का एरिया वो घूमेंगे ना। ये रोड को क्लियर कर रहा है देखो यार, ये रोड को क्लियर करते हुए जा रहा है सारा। तो गाइस मैं सारा भिगा दिया है, ये रोड को क्लियर करते हुए आया, ये भाई बहुत तेज आया यार ये। तो यार सारी बर्फ, ओए बर्फ झाड़ यार।